बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही जबरदस्त सा स्किन वाइटनिंग सोप बनाना, कि आप घर पे ही जबरदस्त स्किन वाइटनिंग, स्किन को टाइट करने वाला साबुन कैसे घर पे ही खुद बना सकते हैं, और वो भी बहुत ही ईजी चीजों के साथ। तो जो हम साबुन बनाने वाले हैं, उसके लिए आपको साबुन के बेस के लिए चाहिए पेयर सोप, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बेस्ट सोप है। इसमें कोई ज्यादा केमिकल वगैरह नहीं होता और ग्लिसरीन सोप होता है, तो ये ले लें आप। नहीं तो जो नॉर्मल साबुन के बेस भी मिलते हैं या वो ले लें। सोप बेस के लिए हमें पेयर सोप चाहिए, एलोवेरा जेल चाहिए, राइस चाहिए। एलोवेरा जेल जो है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ये हमारी स्किन को, हमारे हेयर्स को और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल के ऊपर मैंने अलग से भी वीडियो बनाई हुई है, जिसमें एलोवेरा जेल से फेशियल किया हुआ है मैंने, तो वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, उसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एलोवेरा जेल के अलावा हमें इसके लिए चावल चाहिए। चावल भी जबरदस्त स्किन वाइटनिंग और टाइटनिंग एजेंट है, हमारी स्किन को जवान रखने में जो है हेल्पफुल रहता है। अगर हमारी स्किन लटक गई है, झुर्रियां आ गई हैं, या स्किन में से एक अजीब सी डलनेस आ गई है स्किन में, चावल हमारी स्किन में एक मैजिकल रिजल्ट देता है। तो हमें एलोवेरा जेल चाहिए, चावल चाहिए, पेयर सोप चाहिए, इसके अलावा हमें विटामिन ई की कैप्सूल चाहिए, और थोड़ी सी हमें ग्लिसरीन चाहिए, क्योंकि साबुन में ऑलरेडी ग्लिसरीन होती है, लेकिन जब हम साबुन में और चीजें ऐड करते हैं तो हमें फिर और ग्लिसरीन डालनी पड़ती है इसमें। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो इसमें थोड़ा सा ऑलमंड ऑयल भी ऐड करिएगा। तो मैं ये सारी चीज किस तरीके से ऐड करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने ये साबुन को जो है ना वो कद्दूकश की मदद से ग्रेट कर लेना है। ये सोप ही है, मैंने सोप को मैंने अच्छी तरीके से जो है ग्रेट कर लेना है। तो ये सोप मैंने ग्रेट कर ली है, अब एलोवेरा का मैं जेल निकाल लूंगी। आपको एक पूरा लीफ लेना है एलोवेरा जेल के लिए, जो आपने डालना है ना, तो आपने पूरा इसका फ्रेश लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। वैसे आपके पास बाजारी एलोवेरा जेल है तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ये जो फ्रेश होता है इसके ज्यादा फायदे होते हैं, नेचुरल होता है 100%, तो आप ये डालिएगा तो ज्यादा फायदा होगा आपको। अच्छा, ये वाले जो छिलके हैं ना, ये आपने वेस्ट नहीं करने, ये आप इस तरीके से ना अपने फेस पे और हैंड्स वगैरह पे ना इस तरीके से इससे क्लिंजिंग कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐसे छिड़कें और इस तरीके से क्लिंजिंग कर लें, तो इस ये जो है ना वेस्ट नहीं है, इनमें भी बहुत एलोवेरा जेल अभी लगा हुआ है। ये वाले जो चावल है ना, ये मैंने एक रात पहले इनको पानी में भिगो दिया है। आपने कम से कम 8 घंटे जो है ना साबुन बनाने से 8 घंटे पहले चावलों को पानी में भिगो देना है। तो ये 8 घंटे पहले मैंने चावलों को भिगो दिया था, तो ये अच्छे से देखिए नरम हो गए हैं बिल्कुल। तो अब मैंने इसको और इन दोनों चीजों को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है। तो ये एलोवेरा मैंने ग्राइंड कर लिया है, ये देखें एलोवेरा का जेल बिल्कुल ग्राइंड कर लिया है। इसको भी चावल भिगोए हुए ना पानी में, मैंने उसी पानी में इनको ग्राइंड कर लिया है, तो ये चावलों का मिल्क टाइप बन गया है। अब इस सोप को मैंने डबल बॉयलर के जरिए जो है ना वो मेल्ट कर लेना है, तो वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने डबल बॉयलर के जरिए इसको जो है ना मेल्ट कर लेना है सोप को। सोप जो है मैंने पिघला लिया अच्छी तरीके से, अब इसमें ही मैंने ये चावल जो मैंने पीसे थे वो डाल देने, एलोवेरा जेल जो है ये भी मैंने डाल देना है। ये मैंने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर देना है। ये मैंने अच्छी तरीके से सारी चीजों को मिक्स कर लिया है, अब मैंने इसको हीट से हटा के साइड पे रख देना है। अब मैंने इसको सोप को जो कोई भी आपके पास सांचा हो उसमें आपने डाल लेना है इस तरीके से सोप डाल के। अब मैंने इसमें ये ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन मैंने 2 छोटे चम्मच और बड़ा चम्मच है तो 1 बड़ा चम्मच आपने ऐड कर लेनी है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसमें बादाम का तेल भी ऐड करेंगे और ग्लिसरीन और ऐड करनी है आपने, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो फिर इन सब की ज़रूरत नहीं। 1 विटामिन ई की कैप्सूल डालने हैं इसमें, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को। ये हमारा सोप जो है वो रेडी है, अब हमने तकरीबन 30 मिनट के लिए इसको जो है ना फ्रिज में रख देना है, उसके बाद जो है सोप हमारा बिल्कुल जम जाएगा।
तो ये मैं फ्रिज में रख के 30 मिनट बाद फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखें हमारा जो सोप है वो 30 मिनट्स के बाद जो है अच्छी तरीके से जम गया है, तो मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें हमारा सोप रेडी है, अब मैं इसको कट कर लूँगी। इसको आपने जितने भी पार्ट में कट करना है, जिस तरीके से आपने जमाना है वो आपकी मर्ज़ी है। मैं इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। ये देखिए हमारा सोप जो है वो रेडी अच्छे से, देखिए कितना अच्छा लग रहा है और इसकी प्रेगनेंस भी अच्छी है और इसके रिजल्ट्स तो कमाल है। मैं आपको यूज़ करके भी दिखा देती हूँ। आपने इसको इस तरीके से रखना है कि आपने एट अ टाइम तीन तो यूज़ नहीं करने, एट अ टाइम एक ही यूज़ करना है, तो बाकी के जो दो होंगे ना वो अलग अलग आपने प्लास्टिक में रैप करके अच्छी तरीके से फ्रिज में रख देने हैं ताकि ये ख़राब ना हो। ख़राब तो ये नहीं होंगे, ये 6 मंथ आपके आराम से चलेंगे, लेकिन फिर भी आप इसको रैप करके फ्रिज में रख दीजिएगा क्योंकि गर्मियों में मेल्ट हो जाती हैं चीज़ें, तो ये नरम हो सकते हैं, तो इसलिए आपने ना इसको फ्रिज में ही रखने हैं। तो एक मैं रख लूँगी अपने यूज़ के लिए, बाकी के जो है वो इस तरीके से आपने कोई भी प्लास्टिक रैप लेके या नॉर्मल जो शॉपर होते हैं उसमें इस तरीके से आपने जो है ना पैक करके रख देने फ्रिज में। तो ये इस तरीके से देखिए मैंने प्लास्टिक में रैप कर दिए, अब आपने इसको फ्रिज में रख देने। तो जब एक यूज़ करके ख़त्म हो जाए तो आपने दूसरा यूज़ कर लेना है। ये आपके 6 मंथ तक ख़राब नहीं होंगे, 6 मंथ इसको आपने जो है ना यूज़ करना है। तो मैं आपको अब जो है अपने हाथों पे जो है ये वाला सोप यूज़ करके दिखाती हूँ कि हाथों पे इसका क्या रिज़ल्ट आता है। ये देखें कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है फर्स्ट यूज़ से ही। तो ये सोप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।